हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पृथ्वी प्रसाद आर्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे डेट पाम का ट्री, जिसे हिंदी में खजूर का पेड़ भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ कर्व करके कुछ ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ और सेम तरह से एक और लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन नीचे आते आते थोड़ा सा गैप ज्यादा हो जाएगा और नीचे हम थोड़ा बुशेज बना देंगे। अब मुझे कुछ इस तरह से बनाना है ट्री के ऊपर के पार्ट को। मैं अभी 2B पेंसिल से बना रही हूँ आर्ट लाइन की, और हमें ट्री के नीचे के पार्ट को कुछ इस तरह से करना है। नॉर्मली पेंसिल को थोड़ा ऊपर करना है और थोड़ा दूर करना है पेंसिल को, फिर नॉर्मली ट्री से टच करा देना है। दूसरे साइड से भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, और फिर जो भी भीतर का पार्ट है उसे हम इरेज कर देंगे इस तरह से पूरा। और हम लोग कलर करेंगे डार्क ब्राउन, येलो और व्हाइट से। पहले मैं डार्क ब्राउन से नॉर्मली कर रही हूँ। अगर आपके पास डार्क ब्राउन नहीं है तो आप फिर ब्राउन से भी चला सकते हो। सॉरी, नीचे का पार्ट थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है, दिख जाएगा आपको अभी थोड़ी देर में। और फिर हम लोग येलो ऑकर से मिक्स करेंगे। नीचे में थोड़ा सा ब्राउन कम हो गया था, इसलिए मैंने और थोड़ा दे दिया। और फिर व्हाइट से मिक्स करेंगे। देखिए, नीचे ज्यादा कुछ था नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं ऊपर के पार्ट को डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन से करूंगी। पहले मैं नॉर्मली लाइट ग्रीन से कुछ इस तरह से कलर कर दूंगी। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि सेम तरह से ही पूरे ट्री को करना है लाइट ग्रीन से। और अब डार्क ग्रीन से हम लोग को कुछ इस तरह से करना है। अब डार्क ग्रीन का आपका अगर डार्क ग्रीन यूज हो चुका है तो आप लोग डार्क ग्रीन के पीछे के साइड से कीजिए, तो थोड़ा सुंदर से ये होगा। मैं अब डार्क ग्रीन के पीछे से कर रही हूँ, देखिए कितना सुंदर से हो रहा है। और अब नीचे के पार्ट को भी हम लोग डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन से कर देंगे। अब हम लोग करेंगे ग्लास मार्कर। ग्लास मार्किंग से पहले मैं नीचे के पार्ट को कर रही हूं। देखिए, अब वो जो मैंने डिजाइन किया था, मतलब जो डिजाइन एक्चुअली होता है इस पेड़ में, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं ग्लास मार्कर से थोड़ा और, जहां पे मैंने डार्क ब्राउन किया था वहां थोड़ा मैं और ग्लास मार्कर कर दे रही हूँ, और फिर उसको ब्राउन और येलो कलर से मिक्स कर दूंगी। देखिए, मैं थोड़ा डार्क ब्राउन दे रही हूँ और फिर येलो कलर दे दूंगी। ऊपर एकदम हार्ड नहीं है, जैसे जैसे आपने डार्क ग्रीन को किया था ना वैसे ही कर देना है।
लोग के ऊपर के पार्ट में देखिए बीच में थोड़ा गैप हो जा रहा है, तो वहाँ भी हम लोग लाइट ग्रीन और डीप ग्रीन देके थोड़ा उसको ग्लास मार्कर कर देंगे, तो देखिए अब कुछ पता नहीं चलेगा। और नीचे भी थोड़ा सा बुशेज में भी ग्लास मार्कर दे देंगे और हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप इम्प्रूविंग।